हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिको स्टडी। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन ए लीप ईयर। यानी एक लीप ईयर में 53 संडेज कैसे आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक ईयर में कितने दिन होते हैं सबको पता है, वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। और वैसे ही एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है वो, और ये होते हैं टोटल 366 डेज। और 366 डेज ये लीप ईयर चार साल में एक बार आता है, सबको पता ही होगा। तो ये थोड़ी एक्सलेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो वन लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। अब देखिए, अब इन 366 डेज में से जो टोटल वीक्स होते हैं एक ईयर में और एक लीप ईयर दोनों में, वो होते हैं 52 वीक्स। यानी टोटल वीक्स होते हैं 52 वीक्स, और 52 वीक्स में कितने डेज होते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 52। वन वीक में होते हैं 7 डेज, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 52, 364 डेज। 7 टू 14, 35, 36। सो 364 डेज होते हैं 52 वीक्स में, और एक लीप ईयर में 52 वीक्स के हो गए 364। और बचे कितने, 364 के बाद 366 माइनस 364 करेंगे तो दो दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। यानी एक लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, जिनको हम मान सकते हैं 52 वीक्स प्लस 2 डेज। यानी यहाँ पे हमें दो दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं साल में 52 वीक्स के बाद। तो 52 वीक्स में तो 52 संडेज आ गए। अब ये जो दो दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, इनमें से एक दिन एक संडे आना चाहिए, तभी उसको मिला के 53 संडेज होंगे टोटल। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारे टोटल आउटकम, यानी हमारे टोटल कितने आउटकम बन सकते हैं इनके दो दिन पे। सो अब देखिए, अगर एक दिन पे कोई डे होगा, जैसे मंडे होगा, तो उसकी नेक्स्ट डे उसके कॉन्सिक्यूटिव डे ही होगा। जैसे मंडे है तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे है तो नेक्स्ट डे वेंसडे। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे हम टोटल आउटकम्स लिखते हैं अपने। सो टोटल आउटकम में हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। सो मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। सो मंडे ट्यूसडे होगा नंबर वन, फिर ट्यूसडे वेंसडे, ऐसे ही सेम टू सेम। वेंसडे है तो वेंसडे, थर्सडे, यहाँ पे मैं टी एच लिख देता हूँ थर्सडे के लिए। वेंसडे थर्सडे, सो थर्सडे है थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैं सैटरडे के लिए ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि सैटरडे और संडे का फिर सेम हो जाएगा। सैटरडे, संडे, और लास्ट में संडे, मंडे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे पास 7। और यहाँ पे हम देखेंगे फेवरेबल आउटकम कितने हैं। मैं आपको यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे टोटल आउटकम 7 क्यों है। क्योंकि हमें जो टोटल आउटकम दिए हैं वो खाली जो लास्ट के दो दिन बच रहे हैं, हमें इसके लिए ही निकालने हैं टोटल आउटकम। सब इस पे डिपेंड करता है, ये तो बस भूल जाओ ऊपर 52 संडेज का तो हो गया। अब हमें बाकी में दो दिन में से एक में संडे मिलेगा, तभी हम 53 संडेज होंगे। तो इसलिए हमने दो दिन में इतने ही आउटकम्स हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, या ऐसे ही सारे, एक के बाद उसका नेक्स्ट डे होगा। अब इसमें से फेवरेबल आउटकम में हम देखेंगे संडे किस में आ रहा है। तो संडे यहाँ पे हम देखेंगे दो जगह आ रहा है, एक संडे मंडे में और एक सैटरडे संडे में। सो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे सैटरडे संडे और संडे मंडे। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 1, 2, 2। और हम सबको पता है प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसका मतलब ये मत समझ लेना, ये सारे लिखने हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, वो हम फॉर्मूला में छोटा लिखने के लिए बस फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम लिखते हैं, वरना इसका फुल पूरा होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सो यहाँ पे हमने फेवरेबल आउटकम फाउंड, सो हमने फेवरेबल आउटकम फाइंड कर लिए थे वो है 2। सो 2 आएगा ऊपर, और टोटल आउटकम्स कितने हमने फाइंड कर लिए थे, 7। सो 7, तो इसका आंसर है 2/7। यानी एक लीप ईयर में 53 संडेज की आने की पॉसिबिलिटी है 2/7। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।